आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप PPF अकाउंट किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से बिना बैंक जाए, बिना साइबर कैफे जाए, बिना दुकान में जाए आप किस तरीके से खुद से ही उसको ओपन कर सकते हैं, यानी उसको कैसे खोल सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ ही आपको क्या करना है, इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से यह होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूं तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो बेल के बटन प्रेस करते ही उसको ऑल कर दीजिए। ऑल करने से यह होगा कि मेरा जो वीडियो कहीं पे बिना रुके आपके पास डायरेक्ट पहुँचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से आप किस तरीके से PPF अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं बिना बैंक जाए, बिना साइबर कैफे जाए, बिना दुकान में जाए। अगर जो आप यही काम करवाने के लिए बैंक में जाइएगा ना, तो वहाँ पर जो है आपको बोलेगा कि भैया अभी जो है टाइम लगेगा, एक महीने या दो महीने का टाइम लगेगा, इसके बाद ही जो है आपका PPF अकाउंट जो है ओपन हो पाएगा। तो अगर आप जो है इस सब टेंशन से बचना चाहते हैं और आप जो है खुद से ही अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से PPF अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से कैसे PPF अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप बिना बैंक जाए, इसमें जो नया ऑप्शन ऐड कर दिया हुआ है, तो आप जो है घर बैठे किस तरीके से PPF अकाउंट के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बिना इधर उधर भाग दौड़ के, बिना बैंक जाए। तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको डाल देना है SBI। जैसे देखिए यहाँ पर SBI आ चुका है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पर्सनल बैंकिंग लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कंटिन्यू टू लॉगिन वाले पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद कैप्चा आप जो है कैप्चा आपको इसमें डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से जितना बार चाहे उतना बार रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जो भी कैप्चा आएगा वो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, तो यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डाल देना है। जैसे मेरे केस में आ गया है, मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पर क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग ओपन होकर आ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप PPF अकाउंट के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट और इंक्वायरी, आपको इस पर कर्सर रखना है। तो यहाँ पे देखिए न्यू PPF अकाउंट, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर PPF अकाउंट, तो यहाँ पे जो भी आपका करंट अकाउंट रहेगा पहले से आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम ऑफ माइनर, तो जिसका भी आप जो है PPF अकाउंट बन रहा है उस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो माइनर का नाम डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में सबको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है रिलेशनशिप क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे ब्रांच कोड डालना है, इसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है कौन सा ब्रांच है। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालेंगे, एक डालेंगे, दो, तीन, चार, पाँच तक डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे नॉमिनी का। इसके बाद जो है परसेंटेज अमाउंट ईच ओमनी का कितना है वो आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे PPF अकाउंट है यहाँ से आपका ओपन हो जाता है। सो गाइस, आप जो है घर बैठे बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना बैंक जाए, आप जो है घर बैठे आप यहाँ से जो है PPF अकाउंट में अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए। सो गाइस, आप तो आप सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से PPF अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है, यानी उसको कैसे खोला जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।